Good morning class, this is our new genetics class in which today we will study about the remaining part of central dogma in which RNA and protein we will discuss in this class. Now first of all we have to know about the difference between the DNA and the RNA which is an important question from your exam point of view. देखिए RNA DNA से तीन पॉइंट्स में अलग होता है. पहला RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है जबकि DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है. इसी वजह से RNA जो होता है वो बैकफोल्ड हो सकता है, अपने कई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे tRNA मुड़ तोड़ करके क्लोवर लीफ लाइक मॉडल बना लेता है. दूसरा RNA में शुगर मॉलिक्यूल राइबोज होता है जबकि DNA में डीऑक्सीराइबोज होता है. RNA में चार बेसिस में एक यूरैसिल होता है थायमिन की जगह, तो एडिनिन, यूरैसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, जबकि DNA में क्या था, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन. तो ये तीन डिफरेंस है. ये देखिए DNA डबल हेलिकल, RNA सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है भाई. सेंट्रल डॉगमा में जो हमने बोला था भाई डीएनए से डीएनए बना, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए जिस प्रोसेस से बन रहा है उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसी सेम मैकेनिज्म से ट्रांसक्रिप्शन से ही तीनों तरह के आरएनए बनते हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए, चाहे राइबोसोमल आरएनए, चाहे ट्रांसक्रिप्शन आरएनए या ट्रांसफर आरएनए. तो तीन तरह के आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में, तीनों के तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. मैसेंजर आरएनए जो टेम्पलेट का काम करता है, राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाता है, और ट्रांसफर आरएनए जो कि एडेप्टर, ये नए नए अमाइनो एसिड को लेता जाएगा और आगे चलता जाएगा. तो तीनों तरह के आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में काम में आ रहे होते हैं. तो कोई आपसे सवाल पूछे तो ऐसा नहीं खाली ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए काम में आ रहा है. तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये डीएनए है. डीएनए से क्या अभी अपन को क्या पढ़ना है, अपन तो अभी आरएनए पढ़ रहे हैं. तो ये डीएनए ब्लू कलर का दिखाया हुआ है और इसके ऊपर जो आरएनए बन रहा है ग्रीन कलर से दिखाया गया, मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, और ये पूरा आरएनए बन गया. फिर ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होती है राइबोसोम के साथ में जुड़ करके, और वेरियस टाइप के आरएनए यहाँ पर आ रहे हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. ये जो लाल कलर में ऐसे सांप जैसी चेन निकल रही है ये पूरी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है. अब पहले ट्रांसफर आरएनए, एडेप्टर जिसको अपन कहते हैं, ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है पर ये फोल्ड बैक फोल्ड होकर के एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन tRNA कहते हैं, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसमें अमाइनो एसिड ऊपर अटैच हो सकते हैं. CCA यहाँ पर हमेशा होता है. ये आपस में इस तरह से मुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है इनके और पेयर्ड बेसिस बना लेते हैं, और ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है. अब ट्रांसक्रिप्शन, जो DNA डायरेक्टेड होता है RNA का सिंथेसिस, इस ट्रांसक्रिप्शन में तीन फेजेस चलते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन. यही तीन फेजेस अपन ट्रांसलेशन में भी पढ़ेंगे. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में तीनों सेम फेजेस चलती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन. आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है डीएनए टेम्पलेट से तब जब डीएनए के बेसिस एक्सपोज्ड होते हैं डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग के द्वारा. डबल हेलिक्स अनवाइंड होएगा, डीएनए के बेसिस एक्सपोज्ड होंगे डीएनए टेम्पलेट से, ये आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा. डीएनए गिवन रीजन में केवल एक, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. और जब डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है, जब डीएनए खुद बनता है, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स काम आते हैं. पर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए केवल एक स्ट्रैंड ही एज अ टेम्पलेट काम आता है. दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड ही एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, दोनों की जरूरत नहीं है हमारे को. तो ये देखिए अब जो स्टेप्स अपन बोल रहे हैं, इनिशिएशन अपन इनिशिएशन पढ़ें उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ थोड़ी सी आपको, कि इसमें तीन फैक्टर्स का रोल होता है. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर तीन फैक्टर्स का रोल होता है, जिसमें से एक एंजाइम है. कौन सा एंजाइम? आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रोल होता है. एक तो है तीन फैक्टर्स में से एंजाइम, और दो हैं फैक्टर्स.
एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और फैक्टर जो है वो फैक्टर आते हैं रो फैक्टर वगैरह जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो आपको ये स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है डीएनए का, जिसकी अनवाइंडिंग हुई, बीच में से ये बबल बना, अनवाइंडिंग हुई, पीछे वालों की रीवाइंडिंग हो गई, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये अनवाइंडिंग लगातार आगे चलती जा रही है इनिशिएशन साइट पर, जहाँ इनिशिएट होना है वहाँ आरएनए पॉलीमरेज वगैरह आ रहे हैं उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, और वहाँ पे नया आरएनए बन रहा है ये हरे हरे कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर से बन रहा है। नीचे वाले डायग्राम के अंदर इलॉन्गेशन जो वो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है वो आ करके जुड़ते जाएंगे और नया नया आरएनए बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और आगे टर्मिनेशन साइट दिखाई हुई, जहाँ तक अगर ये पहुँच गया तो आरएनए का सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो देखिए तीन फेसेस से इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इसके अलावा डीएनए टेम्पलेट की अनवाइंडिंग होती है, जिससे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, आरएनए जो बनेगा उसका। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है सबसे पहले पहचानता है प्रमोटर सीक्वेंस को और फिर वहाँ पर जाकर के बाइंड हो जाता है डीएनए पे। जो प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं जो इस प्रोसेस को शुरू करेंगे उनको पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पर बाइंड हो जाता है। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आया और आकर के यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। ये गोला जो पीले पीले से कलर का गोला बताया गया ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये गोला जो आगे बढ़ता जाएगा और ये बनाता जाएगा प्रोसेस। इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेट होता है, आरएनए नेसेंट आरएनए मॉलिक्यूल बनता जाएगा। नेसेंट मतलब जो अभी बच्चा सा छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल बना है, किसमें वही 5' टू 3' डायरेक्शन में चलेगा। टेम्पलेट डीएनए एंटी पैरेलल होते हैं तो उसी के भी वो भी एंटी पैरेलल ही बनेगा, और 5' टू 3' डायरेक्शन यानी डीएनए के 3' टू 5' स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए का मॉलिक्यूल 5' टू 3' डायरेक्शन में चलेगा। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ में बेस पेयरिंग कर लेते हैं जो सबस्ट्रेट्स है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोलाइज एज एडेड रिलीजिंग एनर्जी फॉर आरएनए सिंथेसिस। तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट हाइड्रोलाइज होकर के यानी टूट करके यहाँ पर एनर्जी बनाएगा और वह एनर्जी आरएनए सिंथेसिस में काम आएगी, ये बताया गया है सेकेंड स्टेप के अंदर के। लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट आ रहे हैं और आकर के जुड़ते जा रहे हैं, ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से फाइनली डीएनए रेप्लिकेशन फिगर बताया गया अडेप्टेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, कैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ये पायरोफॉस्फेट के आयन है, ये गोलू सा जो बनाया गया है ये येलो येलो तो फॉस्फेट के आयरन है आयन्स हैं, और गोलू सा जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है ही जो हमने बताया था। ये लेफ्ट वाले में ग्रोइंग स्ट्रैंड बताया गया जो 5' टू 3' डायरेक्शन चल रहा है, राइट साइड में ये लंबा हो चुका है, ये काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब थर्ड स्टेप टर्मिनेशन, इनिशिएशन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, अब टर्मिनेशन। तो स्पेशल डीएनए के सीक्वेंसेस और प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन हेल्पर्स वो ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करते हैं प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्ट जो है बाद में रिलीज हो जाएगा डीएनए से। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को अपन प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। प्री मैसेंजर आरएनए के आगे प्रोसेसिंग चलेगी और उससे क्या बनेगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। क्योंकि प्री के अंदर तो काफ़ी कचरा फचरा भी पड़ा होता है और जो प्रोसेसिंग चलती है उसके अंदर कटाई छंटाई चलती है, कचरे को काट करके अलग कर दिया जाता है और नया जो मैच्योर आरएनए है वो वहाँ पर बन जाएगा। तो ये ऐसे बन गया आरएनए, अब वो हट गया जो आरएनए पॉलीमरेज था और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रो फैक्टर का रोल होता है। जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो फैक्टर्स आपके लिए, क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है इस प्रोसेस को। अब अपने इस क्लास का लास्ट टॉपिक आता है जेनेटिक और प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हमारे को पढ़ना है। ट्रांसलेशन क्या है भाई, आरएनए से प्रोटीन का बनना इज द ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। जीन इसमें एक्सप्रेस्ड वापस वही 2 स्टेप्स में होंगे, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और कहाँ से चलता है, आरएनए टेम्पलेट से बनता है, फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्री इनिशिएशन, ये मेन स्टेप तो वही इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप है। इनिशिएशन से पहले एक फेज चलेगी जिसको प्री इनिशिएशन कहते हैं, और टर्मिनेशन के बाद में एक स्टेप चला जिसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये यूकैरियोट्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लगभग 300 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब आरएनए के टाइप्स और उनका फंक्शन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस से पहले उनका फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट कोड का काम करेगा, दूसरा टीआरएनए जो एडेप्टर मॉलिक्यूल की का काम करेगा, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए जो कि मॉलिक्यूल को होल्ड करता है एकदम करेक्ट पोजिशन पे। प्रोटीन पोर्शन ऑल्सो कैटेलाइज रिएक्शन, इसका प्रोटीन पोर्शन रिएक्शन को कैटेलाइज भी करता है। तो ये इन तीनों के फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले आपको सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है, शाइन डेलगानो सीक्वेंस इसको कहते हैं। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम इसका इनिशिएशन कोडोन पाया जाता है, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद में इसका इनिशिएशन कोडोन यहाँ पाया जाएगा। पोजीशंस इसके राइबोसोम इसको करेक्ट स्टार्ट साइट पर पकड़ करके रखता है, राइबोसोम आएगा उस करेक्ट स्टार्ट साइट पर और फिर वो आगे प्रोसेस चलेगा। जितने भी टीआरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनमें कोई आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। क्लोवर लीफ वाली स्ट्रक्चर में ही वो पाए जा रहे होते हैं। इसमें कई सारी आर्म्स होती है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए भाई, आपके क्वेश्चन आता है टीआरएनए पर, मैं आपको बता दूं टीआरएनए पर स्ट्रक्चर पूछी जाती है, तो डायग्राम आपको बनाना है और ये चीज़ें लिखनी है। इसमें एक तो एक्सेप्टर आर्म होती है जो कि CCA3' होती है। इसमें अमाइनो एसिड जो है वो एस्ट्रीफाइड होता है 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एडेनिन के। फिर TCC आर्म होती है, इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें राइबो थायमिडिन स्यूडो यूरिडिन साइटिडिन सीक्वेंस पाया जाता है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म होती है जिसका साइज़ वेरी करता रहता है, लगभग 3 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड इसका साइज़ हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक एंटीकोडोन आर्म होती है जिसका नाम दिया गया है क्योंकि इस पर 3 बेसेस होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे। टीआरएनए मैसेंजर आरएनए पर जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए पर इसके कोड पाए जाते हैं और टीआरएनए पर इस कोड के उल्टे बेसेस पाए जाते हैं, इसलिए उसको अपन एंटीकोड कहते हैं और इस आर्म को अपन एंटीकोडोन आर्म कहते हैं। नेक्स्ट आर्म है डी आर्म, डाईहाइड्रोयूरिडिन बेस मॉडिफिकेशन। इसका सीक्वेंस जो होता है अलग अलग अमाइनो एसिड्स में अलग अलग होता है फॉर द डिफरेंट अमाइनो एसिड, नॉट जस्ट इन द एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म जैसा नहीं होता पर अलग होता है। अब जेनेटिक कोड इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए और टीआरएनए में सुन लीजिएगा। स्ट्रक्चर आपको बनाना है पूरा अच्छे से, वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर टीआरएनए का होना चाहिए। आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन जेनेटिक कोड पे, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक कोड आप जानते हैं ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। वर्ड ब्रैकेट में ऑलमोस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि सभी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, पर बाद में पता चला कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए आजकल वर्ड हम यूनिवर्सल अगर यूज़ करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वर्ड ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वाइड स्प्रेड लिखिए, जेनेटिक कोड्स आर द वाइड स्प्रेड। तीसरा, ये कॉमा लेस होते हैं जब इनको लिखा जाता है, क्योंकि ट्रिपलेट कोड 3-3 में लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 के बाद कॉमा लगाए फिर 3 के बाद कॉमा लगाए, कॉमा कभी नहीं लिखा जाता, कंटिन्यू लिखे जाते हैं ये। फिर डीजेनरेट वॉबल हाइपोथेसिस। डीजेनरेट वॉबल क्या है भाई, कि देखो 3-3 के कोडोन पाए जाते हैं, तो ये जो 3-3 पाए जा रहे हैं इसमें 3 क्या चीज़ें हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस ही तो हैं। ये नाइट्रोजन बेसिस हो सकता है कोई 2, 3 या 4 कोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस सिमिलर हो, सेकेंड नाइट्रोजन बेस सिमिलर हो, पर कभी भी थर्ड नाइट्रोजन बेस सिमिलर नहीं होता। इसको आप वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये डीजेनरेटिव नेचर के होते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, डीजेनरेटिव नेचर के होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस होने का क्या मतलब है भाई, अनएम्बिगुअस होने का मतलब होता है कि ये एक जैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कोडोन कई सारे अमाइनो एसिड को कोड कर देगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये अनएम्बिगुअस होते हैं जेनेटिक कोड। रीडिंग फ्रेम में ये रह रहे होते हैं, इसी तरह से कि आप उसको रीड कर सो, और एम्बेडेड जीन्स इसके अंदर पाए जा रहे होते हैं।
तो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं। बेसिक फंक्शन जीन का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो है वो डीएनए के अंदर स्टोर्ड रहती है, किसकी फॉर्म में, ट्रिपलेट कोड की फॉर्म में। तो जेनेटिक कोड क्या है, ये ट्रिपलेट कोड होता है जिसमें डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड रहती है। हर एक ट्रिपलेट कोड में 3 बेसेस होते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, यानी अनएम्बिगुअस। इनमें 4 बेसेस हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 64 इस तरह कॉम्बिनेशन होने चाहिए। ये सीक्वेंस 3 बेसेस कोडिंग के लिए होता है, अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, इसीलिए अपन इसको ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। अब प्री इनिशिएशन स्टेप ट्रांसलेशन का, जिसको अपन चार्जिंग द टीआरएनए कहते हैं। इसमें टीआरएनए चार्ज होता है, कैसे चार्ज होएगा, इसके ऊपर आकर के एक अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा, अमाइनो एसिड जुड़ जाता है। एक्चुअली एटीपी टूटता है, एएमपी बनता है, वो एएमपी इसको जो है एनर्जी देता है। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, रिएक्शन दिखाई दे रही है टीआरएनए पर, एटीपी टूट करके आकर के जुड़ रहा है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए आएगा, 2 स्टेप का मैकेनिज्म चलेगा। पहले अमाइनो एसिड से एएमपी आकर के जुड़ेगा, फिर यह ट्रांस एस्टरीफाई होता है, 3 प्राइम एंड पर आकर के जुड़ता है, फिर इसकी प्रूफ रीडिंग होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स और सीव जो छलने का काम कर रही होती है कि कचरा हट जाएगा, फिर मॉडिफाई होकर के मिथियोनिन इस टीआरएनए पे आकर के जुड़ेगा, तो मैट टीआरएनए एफ एफ मैट से जुड़ करके क्या बन जाएगा, एफ मैट टीआरएनए बन जाएगा, ये मॉडिफिकेशन चलेगा। अब दूसरा स्टेप है प्री इनिशिएशन का स्टेप, इसमें जो चार्ज टीआरएनए है उसका फॉर्मालेशन होगा, मैट टीआरएनए का फॉर्मालेशन, फॉर्मल ट्रांसफरेज आया, फॉर्मल टीएचएफ से टीएचएफ और एफएम एफ मैट टीआरएनए एफ मैट बना। अब प्री इनिशिएशन में क्या क्या हो रहा है, टीआरएनए की चार्जिंग होती है, फिर फॉर्मालेशन होता है, फिर राइबोसोम्स टूटते हैं। राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती है ना, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। ह्यूमन में तो कितनी होती है, 60S और 40S, और बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में कितनी होती है, 30S और 50S, क्योंकि बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है और हमारे अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ इंटरफेरॉन्स वगैरह का काम है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, टर्शरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पर ठीक है, ये आपके कोई खास काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 80S जो कॉम्प्लेक्स था उसकी स्मॉल सब यूनिट टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाती है, मैसेंजर आरएनए के साथ में जुड़ेगी, लार्ज सब यूनिट अमाइनो एसिड टीआरएनए को लेकर के आएगी। इसके अंदर 3 साइट्स होती है, पी साइट, ए साइट और ई साइट। पी साइट जो है वो केवल एंटर करवाती है पेप्टाइड का, ओनली थिंग दैट कैन एंटर इज अ पेप्टाइड, जो अंदर एंटर हो रही है केवल पेप्टाइड है। प्रोकैरियोट्स में एफ मैट ट्रिक्स द राइबोसोम, राइबोसोम में एफ मैट आकर के घुसा। ए साइट केवल वो थिंग है, ओनली थिंग दैट कैन एंटर इज एन अमाइनो एसिड टीआरएनए। अमाइनो एसिड टीआरएनए सीधा किसमें घुस रहा है, ए साइट के अंदर घुस रहा है और ई साइट से बाहर निकलता है, जो तीसरी साइट है ई साइट उससे बाहर निकलेगा। हर एक राइबोसोम में 3 बाइंडिंग साइट्स होती है टीआरएनए के लिए, ए साइट जिसमें अमाइनो एसिड टीआरएनए आकर के जुड़ेगा, पी साइट पे पेप्टिडाइल टीआरएनए रहेगा और ई साइट से एग्जिट टीआरएनए नए नए आते जाएंगे और ई साइट से निकलते जाएंगे। ये देखिए भाई, फ्लो चार्ट देख लीजिए, सीधा इनिशिएटर टीआरएनए आया, मेट वाला स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पर जिसमें ट्रांसलेशनल इनिशिएशन फैक्टर बाउंड रहता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैसेंजर आरएनए की यहाँ पर बाइंडिंग हो गई है, आरएनए की कैप वहाँ दिखाई गई है। अब इनिशिएटर टीआरएनए मूव्स अलोंग द आरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए आरएनए के अलोंग चल रहा है, ये हरा वाला पार्ट देखो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़ रहा है, जहाँ पे फर्स्ट एयूजी आएगा वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि एयूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है या इनिशिएशन कोडोन होता है मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए का एयूजी क्या है, इनिशिएशन कोडोन, ये पॉइंट भी आपको जेनेटिक कोड में लिखना है। अब एयूजी आ गया, एयूजी आते इनिशिएशन फैक्टर डिसोसिएट हो जाएगा, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट वहाँ पर आएगी और आकर के बाइंड हो जाएगी। जहाँ पर एयूजी आ गया वहाँ पर ये देखो लार्ज सब यूनिट ग्रीन से दिखाई गई, ये आ रही है और आकर के ऊपर जुड़ गई, मैट टीआरएनए ली। अमाइनो एसिड टीआरएनए इस पर बाइंड हो गया है स्टेप 1 में, फिर फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनी है, अमाइनो एसिड आकर के जुड़ा तो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनी और ये आगे बढ़ेगा। राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट मैंने बताया पहले भी आपको, स्मॉल सब यूनिट टीआरएनए से जुड़ती है, मैचेस द टीआरएनए टू द कोडोन्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए। स्मॉल सब यूनिट टीआरएनए के एंटी कोडोन को मैसेंजर आरएनए के कोडोन से मैच करके जोड़ देती है,
लार्ज सब यूनिट ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में हेल्पफुल होता है, कैटेलाइज करता है, जो अमाइनो एसिड्स आ करके जुड़ते जाएंगे उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और नई पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बन जाएगी। ये दोनों सब यूनिट्स एक साथ आती हैं 5' एंड पर मैसेंजर आने के और प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। फिर ये राइबोसोम लगातार आगे बढ़ता रहता है, ट्रांसलेट करता रहता है कोडोन्स को तब तक जब तक कि दो सब यूनिट सेपरेट हो नहीं जाती फिनिशिंग के बाद में। तो ये डायग्राम में दिखाए गए हैं, 49 प्रोटीन्स दिखाए गए हैं, 3 आरएनए के मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं, लार्ज सब यूनिट दिखाई गई है और स्मॉल सब यूनिट पे 33 प्रोटीन्स हैं, 1 आरएनए का मॉलिक्यूल है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बताया गया लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का। ये दोनों आपस में जुड़ी 82 प्रोटीन्स बने 4 आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ में और कंप्लीट राइबोसोम बना। फिर ये तीनों साइट ए पी और ई साइट लार्ज सब यूनिट में और फिर नीचे स्मॉलर सब यूनिट जो कि बाइंडिंग वगैरह करवाएगी, प्रोसेस आगे चलेगा। अब ये तो भी आकर के जुड़े हैं, इनिशिएशन हुआ है, अब इलोंगेशन, भाई इलोंगेशन फैक्टर आते हैं इसके अंदर, जीटीपी अमीनो एसिड टियानेटर नरी कॉम्प्लेक्स जो कि ए साइट में घुसा, जीडीपी वगैरह की रिएक्शन चलेगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी साइट पर जिसमें कि पी साइट कंटेंट इज ट्रांसफर्ड ऑन टू ए साइट ऑक्यूपेंट, पी साइट का कंटेंट कहाँ पर गया, ए साइट के ऑक्यूपेंट पे गया। और मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आगे लगातार बढ़ती जा रही है और चलती जाएगी और नए नए अमीनो एसिड आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कभी भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी तो उस दिन मैं ये डायग्राम से आपको चीज़ समझा दूंगी ब्लैक बोर्ड पे। ट्रांसलोकेशन के लिए जीटीपी टूटेगा और जीडीपी प्लस पीआई बनेंगे जिसे एनर्जी मिलेगी। ये स्टेप दिखाया गया है कि नए नए अमीनो एसिड ऊपर गोल गोल जो आ रहे हैं, नए नए अमीनो एसिड आते जा रहे हैं, बाइंडिंग होती जा रही है अमीनो एसिड्स की और फिर ये जो फैक्टर्स है वो रिलीज होते जाते हैं। ए साइट पे आ गए भाई, ए साइट से घुसे, ए से पी में जाएगा, पी से ई में जाएगा, ई से बाहर निकल जाएगा, टर्मिनेशन होएगा और फाइनली जब टर्मिनेशन हो जाएगा तब ये दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी और प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज दिखाया गया है जो कि कैटेलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या है भाई, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड की चेन दिखाई गई है स्टेप वन में और नया अमीनो एसिल टीआरएनए आता जा रहा है, स्टेप टू में ये आगे बढ़ती जा रही है प्रोसेस, स्टेप थ्री में लॉन्ग चेन आगे बढ़ करके अलग हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में वापस वही दिखाया गया कि नए नए अमीनो एसिड आ रहे हैं। ये देखो चेन ट्रांसफर होती हुई बताई गई है सेकंड राइट साइड के डायग्राम में, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसे करते हुए एक पॉलीराइबोसोम बन जाएगा यूकेरियोटिक सेल में, ये खूब सारी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये पॉलीराइबोसोम जो बन गया ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जा रहा होता है, ये ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की माला है, बीच में मैसेंजर आरएनए इतना बड़ा सारा, उसके चारों तरफ ये राइबोसोम जुड़े पड़े हैं, तो ऐसे लगता है जैसे मोती पिरोए हुए हैं धागे के अंदर, ये पॉलीराइबोसोम कहलाता है। और उनमें से ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखाई दे रही है, 100 नैनोमीटर का इसका डायग्राम डायमीटर बताया हुआ है, ये ऐसा दिखाई देगा, ये रियल पिक्चर इसकी ब्लैक में। अब टर्मिनेशन कब होता है भाई, ए साइट पर राइबोसोम के जब ये 3 कोडोन्स UAA, UAG और UGA आ जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन है। AUG स्टार्ट कोडोन था, UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडोन है, ये भी आपको अपने उस जेनेटिक कोड वाले जगह पर पॉइंट में लिखना है और वहाँ पर ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होती है वो भी पॉइंट लिखना है। इसमें रिलीजिंग फैक्टर 1 ए साइट में घुसेगा, जीडीपी हाइड्रोलाइज होगी, वाटर भी काम आता है तोड़ने के लिए, प्रोटीन को टीआरएनए तोड़ देता है, ये कंपोनेंट्स रिसाइकल्ड होते हैं और दूसरा नया प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक प्रोटीन बन गया टूट करके अलग हो गया। राइबोसोम में राइबोजाइम पाया जाता है जो कि 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, 2000 में से 3D स्ट्रक्चर बताता है ये, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम की ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, इसकी एबिलिटी है कि टीआरएनए को पोजीशन देता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, एमआरएनए पढ़ लिया, टीआरएनए पढ़ लिया, अब जरा आरआरएनए बच्चा जिसके हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या करता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है और टीआरएनए को मैसेंजर आरएनए पर जोड़ने में हेल्पफुल होता है, इसका कैटालिटिक फंक्शन होता है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाता है। आरएनए रादर देन प्रोटीन सर्व्ड एज फर्स्ट कैटालिस्ट, प्रोटीन जगह आरएनए फर्स्ट कैटालिस्ट होता है और
राइबोसोम एक रैलिक है अर्लियर टाइम में, इसको रैलिक माना जाता है। बस तो आपका पूरा सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, जेनेटिक कोड पढ़े और प्रोटीन का ट्रांसलेशन भी पढ़ा। बाकी आप अपने बुक्स वगैरह से जहाँ से पढ़ना चाहें इसको डिटेल में और ज़्यादा, तो आप पढ़ लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए। मैं हर एक जगह पर आपको बता रही हूँ किस किस चीज़ पे क्वेश्चन आता है। टीआरएनए पर आता है, ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन आया, रेप्लिकेशन पे आता है, आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर्स पे आता है, प्रोटीन जेनेटिक कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अपने नोट करके रख लीजिए, कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।